हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। हे गाइस, अभी हम लोग देखेंगे ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। देखो, शेड्यूल में आप लोगों का ओजोनोलाइसिस तो अभी होगा नहीं, अब क्योंकि ये ऑर्गेनिक का पार्ट है और ऑर्गेनिक अभी है नहीं। तो मैं GUC से लेकर के पूरा का पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, A to Z टॉपिक इसका आपका आएगा। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक में 50-60 या मे बी 70 वीडियो बने, छोटा छोटा करके एक एक टॉपिक का वीडियो आएगा। तो इस पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देख लेना है। एक बार में ना समझ में आया है तो दो बार देख लीजिए, दो बार में समझ में ना आया है तो तीन बार देख लीजिए, पर समझ में आ जाएगा, काफ़ी है। और इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, बस वीडियो को देखना है, इसको समझना है और कुछ नहीं करना है। बाकी जो आपका शेड्यूल है उसी शेड्यूल पे आप लोगों को पढ़ते चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओजोनोलाइसिस। और नोट्स है तो नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, पूरा का पूरा नोट्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, इस पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, पूरा ऑर्गेनिक का आज से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओजोनोलाइसिस देखते हैं। तो ओजोनोलाइसिस हम लोग, मतलब होता है क्या चीज़ है ओजोनोलाइसिस? तो ओजोनोलाइसिस हम लोगों का ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज करते हैं ओजोनोलाइसिस को। और पढ़ना कहाँ रहता है? अल्किन्स में पढ़ना रहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था, नीट 2015 में पूछा गया था, और जेई मेन्स 2008 में पूछा गया था, जेई मेन्स 2013 में पूछा गया था, और जेई मेन्स में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ओजोनोलाइसिस। पिछले बार भी सिखा के भेजा था आप लोगों को, वीडियो अपलोड है ओजोनोलाइसिस का 10-15 मिनट का, और क्वेश्चन 2019 में आया है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक फंडा है, पहले आप लोग लिखिएगा ऑर्गेनिक में। देखो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की तरह होगा, छोटा से छोटा चीज बड़ा से बड़ा चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट आप लोग लिखो, द एडिशन, ओजोनोलाइसिस किसे कहते हैं उसे समझ लें। द एडिशन ऑफ ओजोन, द एडिशन ऑफ ओजोन ऑन द डबल बॉन्ड्स एंड सब्सिक्वेंट अ रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ओजोनाइड, रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ओजोनाइड फॉर्म्ड इज termed as ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का डेफिनेशन। अब होता क्या चाहिए, अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ बताना कि होता क्या चाहिए। देखो, ओजोनोलाइसिस में होगा क्या कि हम लोगों का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, आराम से समझना। ओजोनोलाइसिस में होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम लोगों का रिएक्टेंट होगा, हमेशा याद रखना, O3 होगा, ZnH2O, ये होगा हम लोगों का रिएक्टेंट। जहाँ देखा हम लोग O3 ZnH2O, वहाँ पे करवाएंगे ओजोनोलाइसिस। अब यहाँ पे नीट में तो सिंपल दे देगा कि ये है और आप लोग प्रोडक्ट बनाओ, या प्रोडक्ट दे देगा और बोलेगा कि किस रिएक्टेंट के कारण आप लोगों का ये प्रोडक्ट बन रहा है, कैटलिस्ट O3 ZnH2O दे या ओजोनोलाइसिस लिख दे। पर यही दो चीज पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और प्रोडक्ट दे करके पूछेगा कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट दे करके पूछेगा कि रिएक्टेंट क्या है, ठीक ना। तो यही पूछा जाएगा आप लोगों से। तो इसमें आप लोग करना क्या है, और जेई मेन्स में क्या करता है, जेई मेन्स में सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे समझ लो आर हो गया, और यहाँ पे H2 डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे दे देगा O3, फिर देगा X, फिर यहाँ पे देगा ZnH2O, और फिर यहाँ पे देगा Y, बोलेगा X क्या है, Y क्या है। तो हम लोग को तो डायरेक्ट मालूम है कि ओजोनोलाइसिस में होता क्या चाहिए, और पढ़ करके डायरेक्ट Y बना देते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ O3 के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या होगा, तो वही तो यहाँ पे मैंने लिखा, द एडिशन ऑफ ओजोन ऑन द डबल बॉन्ड एंड सब्सिक्वेंट रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ओजोनाइड फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज ओजोनोलाइसिस। पूरा का पूरा कहानी इसमें बता दिया, गौर से समझना।
द एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन को ऐड करते हैं मतलब O3 को ऐड करते हैं ऑन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन वाला डबल बॉन्ड पे, एंड सब्सिक्वेंट अ रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड। किसका रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस होता है? ओजोनाइड। तो भैया एक जो होगा वो हम लोगों का क्या होगा? एक हम लोगों का ओजोनाइड होगा, आंख बंद करके एक ओजोनाइड होगा। अब ओजोनाइड का क्या चीज करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। देखो यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोलाइसिस, तो ये हो गया आप लोगों का हाइड्रोलाइसिस। और यहाँ पे क्या चीज आएगा? प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ओजोनाइड फॉर्म्ड टर्म्ड एज ओजोनोलाइसिस। यहाँ पे आप लोगों का क्या चीज आएगा? लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट में आप लोगों का आएगा एल्डिहाइड प्लस केटोन। ठीक है, केटोन प्लस केटोन या एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, इट्स मे बी एल्डिहाइड और केटोन, और इट्स मे बी केटोन, बोथ ऑफ देम आर केटोन और बोथ ऑफ देम आर एल्डिहाइड। प्रोडक्ट में आग बंद करके यही दो प्रोडक्ट आएगा। ठीक ना, इस तीन प्रोडक्ट के अलावा कुछ भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अमीन दे दिया हो, तो वो सब नहीं लगा करके आना है। यही आप लोगों को लगा करके आना। अब करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, तो वो मैं बताता हूँ आप लोगों को करना कैसे है। यहाँ पे समझो कि पहले बेसिक लेवल CH3, सी डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे हम लोगों ने डाला CH3। यहाँ पे करवाया ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस का बता दिया कैटेलिस्ट क्या चीज है, ओजोनोलाइसिस O3ZnH2O कैटेलिस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे हम लोग पाई बॉन्ड देखेंगे, ट्रिक से बता देता हूँ, जहाँ पे पाई बॉन्ड देखेंगे वहाँ पे ऐसे ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर बैठा है, एक ऑक्सीजन इधर बैठा है, जहां पर भी पाई बॉन्ड देखना है उस कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन दे देना है। तो ये प्रोडक्ट में आएगा CH3, सी डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस CH डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया एल्डिहाइड, ये आ गया एल्डिहाइड, और ये क्या आ गया? केटोन। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन इज आल्सो नोन एज ओजोनोलाइसिस, या प्रोडक्ट बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड और केटोन का प्रोडक्ट आएगा तो कब आएगा? ओजोनोलाइसिस में आएगा। मे भी दोनों का दोनों आप लोगों का एल्डिहाइड भी आ सकता है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे समझ लो कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, CH3 है, यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्कीन पे ही आप लोगों को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन पुट करना है। तो ये प्रोडक्ट आएगा CH3CHO प्लस CHOCH3। तो ये क्या हो गया? दो मॉलिक्यूल ऑफ, दो मोल ऑफ एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीका से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं एक और अच्छे क्वेश्चंस पे। पहले अब थोड़ा लिख लो, अब थोड़ा दूसरा पॉइंट लिख लो। दूसरा पॉइंट इसलिए लिखो क्योंकि जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये पॉइंट के बिना नहीं होगा। लिखो, बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, उसे लिखना। व्हेन ओजोन इज पास्ड, व्हेन ओजोन इज पास्ड थ्रू एन अल्कीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, इट एड्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड टू फॉर्म एन ओजोनाइड, इट एड्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड टू फॉर्म एन ओजोनाइड। ओजोनाइड्स आर एक्सप्लोजिव कंपाउंड, दे आर नॉट आइसोलेटेड। ओजोनाइड्स आर एक्सप्लोजिव कंपाउंड, दे आर नॉट आइसोलेटेड। ठीक है, अब ZnH2O का काम देखो, ZnH2O का थोड़ा काम देखो। ऑन वार्मिंग विथ ZnH2O, ओजोनाइड क्लीव्स एट द साइट ऑफ द डबल बॉन्ड। लिखो, ऑन वार्मिंग विथ ZN एंड H2O, ओजोनाइड्स क्लीव एट द साइट ऑफ द डबल बॉन्ड, द प्रोडक्ट आर कार्बोनिल कंपाउंड, द प्रोडक्ट आर कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और केटोन। Depending on the nature of the alkene. ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस। ये हो गया तीसरा पॉइंट, और ये एक लास्ट पॉइंट लिख लो, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स हेल्प्स इन लोकेटिंग द पोजिशन, हेल्प्स इन लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन, इन एन अल्कीन। इट कैन बी अचीव्ड बाई
joining together, it can be achieved by joining together the carbon atoms of the two carbonyl compound. The carbon atoms of two carbonyl compound formed as the products of ओजोनोलाइसिस विथ डबल बॉन्ड. ओजोनोलाइसिस विथ डबल बॉन्ड बोल कह रहा है कि सी एच थ्री है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो गया, प्लस ऑक्सीजन है, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ सी एच थ्री हो गया, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा बोला तो स्टार्टिंग में या तो वो प्रोडक्ट पूछ देगा, ठीक है, या तो आप लोगों को ये दे देगा. तो पहले ही प्रोडक्ट दे दिया हम लोगों को, क्या दे दिया हम लोगों को, ये क्या हो गया एल्डिहाइड हो गया, और ये क्या हो गया एल्डिहाइड हो गया, दोनों एल्डिहाइड दे दिया गया. और दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो यहाँ से देखना, यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन भाई साहब निकलेंगे, ठीक है, क्लियर है. और ये दोनों ऑक्सीजन को निकालेंगे तो क्या होगा सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे सी एच थ्री, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा रिएक्टेंट जो था. समझ में आया ये चीज. अब आते हैं हम लोग जेई मेंस का क्वेश्चन पे, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ओजोनोलाइसिस आप लोगों का क्लियर हो जाएगा. और क्वेश्चन करना खुद से जानबूझ करके, नीट का क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग पे छोड़ रहा हूँ. और जब तक ये समझ करके खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में कैसे आएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, ठीक है. तो यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, यहाँ पे दे दिया मैंने ओ थ्री के साथ रिएक्शन, ना कि जेड एन एच टू ओ, पूरा का पूरा ओजोनोलाइसिस. तो जैसे ही ओजोन के साथ रिएक्शन करवाए क्या बनेगा ओजोनाइड. अब ओजोनाइड क्या होगा, इसे तोड़ना है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, और एक पाई बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन लगाएंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन को कंबाइंड करेंगे. और ये कंबाइंड कैसे होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, यही आएगा आप लोगों का ओजोनाइड, यही होगा ओजोनाइड. बनाता हूँ मैं, सी एच थ्री हो गया, यहाँ पे हो गया सी एच, अब यहाँ पे देंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा सी एच, यहाँ पे आएगा सी एच थ्री, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये तो इसी को बोलेंगे ओजोनाइड. तो ये पूछा जा सकता है नीट 2020 में ओजोनाइड का फॉर्मेशन. जितना बताता हूँ उतना लिखो, ठीक ना भास्कर भाई, टॉप करना है, टॉप करने के लिए ये सारा कुछ करवाता हूँ. जेई मेंस और नोट्स निकालते तो सब है पर टॉप बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, और टॉप करना है हम लोगों को इस बार, ठीक है. तो ओजोनाइड, ये आ गया ओजोनाइड. अब यहाँ पे जेड एन एच टू ओ, तो जेड एन एच टू ओ का क्या काम था, जेड एन एच टू ओ का काम था हम लोगों का ब्रेक करना. ये ऐसे यहाँ से हटाएगा और ये ऐसे यहाँ से हटाएगा, ठीक है, क्या होगा ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा. तो लास्ट में हम लोग प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है प्रोडक्ट, सी एच थ्री सी एच ओ, ये वाला सी एच थ्री सी एच ओ, और यहाँ पे क्या आएगा सी एच सी एच थ्री, और यहाँ पे O, ठीक है. अब ये हम लोगों का ऑक्सीजन भाई साहब बच गए, अब ऑक्सीजन भाई साहब बच गए तो क्या होगा, जेडन भाई साहब जा करके यहाँ पे अटैक करेंगे, प्लस एच टू ओ प्लस जेडन ओ, ये होगा हम लोगों का टोटल प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये भी लिख सकते हैं टू मोल ऑफ एल डी आई प्लस एच टू ओ प्लस जेडन ओ, ये होगा हम लोगों का टोटल प्रोडक्ट, और यही है सही तरीका करने का क्वेश्चन सॉल्व. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा हाई लेवल का. अब वो क्या करेगा, एग्जामिनर है चलाक, तो एग्जामिनर क्या करेंगे कि हम लोगों को ओजोनोलाइसिस तो करवाएंगे ही करवाएंगे, प्लस उसके साथ कार्बोक्सिलिक या और भी कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है. यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ओ थ्री कर दिए और जेडन कर दिए, और यहाँ पे सी एच थ्री सी डबल ओ एच कर दिए. तो अब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग करवाएंगे ओजोनोलाइसिस. तो यहाँ से बॉन्ड हम लोग तोड़ेंगे, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, मतलब ये पाई बॉन्ड बीच से ब्रेक हो रहा, ठीक है, ये तरीका हो गया. तो यहाँ पे हम लोग क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे सी एच थ्री, और यहाँ पे ऐसे ये हो गया, और इस कार्बन के साथ सी एच थ्री था, और यहाँ पे आप लोगों का
यहाँ पे आप लोगों का ऐसे ये हो गया, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन ऐसे, फिर यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ओ आएगा और यहाँ पे एच आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये कीटोन बन रहा है और ये क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, कीटोन और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2CH के ऊपर CH3 और यहाँ पे हम लोग C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, और प्लस कीटोन एक CH3 यहाँ पे ऐड होगा, CH3 नहीं, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यही आप लोगों का फाइनली प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ से घबरा मत जाना कि CH3COOH दे दिया है, तो अब हम लोग इसमें और भी फर्दर रिएक्शन करवाएं, नहीं फर्दर रिएक्शन नहीं करवाना, आप लोगों का ऐसे दे देगा O3 78 डिग्री सेल्सियस पे और ZnCH3COOH। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा प्रोडक्ट बनाना है और यही आप लोगों का फाइनल। अब ये देगा तो ये ज़्यादा आसान होगा, क्यों आसान होगा कि यहाँ से डायरेक्ट काटे, एक ऑक्सीजन दिए और दोनों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैठा दिए और बैठा करके बना दिए, क्लियर है। यही ओजोनोलाइसिस, पूरा का पूरा ओजोनोलाइसिस यही है, आप लोग बनाइए क्वेश्चंस 100% बनेगा। क्या करना है, ओ लो निकल लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, ठीक है, ये हो गया कंपाउंड। तो जहाँ पे देखा पाई बॉन्ड वहाँ पे डाला ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या बोलेंगे कि भैया अपना अपना ऑक्सीजन लो और निकलते बनो, बॉन्ड को तोड़ दो, तो ये बॉन्ड को तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड O और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O HCH2CH3, समझ में आ गया। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, ठीक ना। तो कंफ्यूज नहीं होना। अब एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे दिया CH3, यहाँ पे दिया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे दिया CH3, इसका फाइनल प्रोडक्ट O3ZnH2O के साथ रिएक्ट करवाओ। अब किसी के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि भैया आपने डबल बॉन्ड पढ़ा दिया, डबल बॉन्ड मैंने सीख लिया, जेई मेंस का क्वेश्चन लगा लिया, नीट का लगा लिया, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आज तक पूछा है या नहीं पूछा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं भी पूछा है तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड दूँ तब ओजोनोलाइसिस करवाऊँ तब क्या होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन आप लोग से ही कर दिया और ये समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर, ठीक है, कि अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तब क्या करेंगे। डबल बॉन्ड पे तो ओ लो निकल लो करके हम लोग कीटोन एल्डिहाइड में भी दोनों का दोनों एल्डिहाइड में भी दोनों का दोनों कीटोन बना करके निकल जाते थे, पर O3ZnH2O विथ ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन के साथ क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, पॉइंट सारा लिख लिए होंगे, देखो मेहनत करोगे टॉप करोगे 100% करोगे, क्वेश्चंस एक भी बाहर के नहीं आएंगे, ठीक है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, सारा पॉइंट लिख लेना जितना कुछ मैंने बताया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।